नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी। नेताजी का अंतिम संस्कार उनके पृथक गांव सिफई में मेला ग्राउंड पर हुआ है और इससे पहले उनका शव अंतिम दर्शन के लिए सिफई के मेला ग्राउंड में रखा गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योग गुरु रामदेव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके अंतिम दर्शन किए। अंतिम दर्शन करने वालों में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल थे। इस दौरान वहां रुक रुक कर बारिश होती रही। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार उनकी पहली पत्नी के स्मारक के ठीक बगल में हुआ। मुलायम सिंह के यादव का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। वो 82 साल के थे। उनका पार्थिव शरीर सोमवार शाम से फैलाया गया था। इस पूरी खबर पर ही हमारे साथ ब्यूरो हेड दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, पूरा देश दुखी है, सबकी आंखें नम है। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई है, कई नेता वहां पर मौजूद रहे, क्या अपडेट है? अब बिल्कुल देखिए, देश के मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं और रक्षा मंत्री ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के जननायक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के, मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के वो नेता जो सबको साथ लेकर चलते थे, जिनसे विपक्ष सलाह लिया करता था, उनसे सलाह मशवरा लिया करता था और फौजियों के सम्मान को शव को उनके घर तक पहुंचाने का पूरा तरीके से जो आदेश किया गया था वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया था। मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का जन नायक कह सकते हैं, 8 बार के विधायक और 1 बार के सांसद अभी भी वर्तमान में चूंकि थे और इनका अंतिम संस्कार चूंकि आज इनका देहांत हो गया और इनके अंतिम दर्शन में इस तरीके से सैलाब जो उड़ा है, भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के निकल रही थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो मुलायम सिंह यादव हैं, इस तरीके से इनका यहाँ पर श्रद्धा सुमन जो अर्पित किया गया है, जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था वो देखने लायक था। 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, सभी अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के उतावले दिख रहे थे। लोगों में एक दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ने की होड़ मच रही थी। मंच पर सांसद थे, विधायक थे, यहाँ तक कि बड़े नेता भी लाइन में लगे थे। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित नितिन केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री असीम अरूर, सांसद रीता बहुमी समेत तमाम लोगों में मौजूद थे। बाबा रामदेव की बात की जाए या बिजनेस को लेकर की बात की जाए, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे वो भी वहां मौजूद थे, लेकिन सभी की आंखें नम थी और अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुखाग्नि दी है। जाहिर सी बात है कि इतने प्रिय नेता उत्तर प्रदेश के थे कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं उनको लगाव था, इसलिए लोग एक एक करके पहुंचे थे और कोई शायद ऐसा नेता बाकी हो जो मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन करने या मुखाग्नि देने न पहुंचा। अभी बात की जाए अगर कानपुर की, तो कानपुर में एक ऐसा मामला भी हुआ कि नेताजी को एक खबर सुनकर के एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली। इस बात को लेकर के कि नेताजी की, जब उसे पता चला कि नेताजी की आज उनकी मौत हो गई यानी उनकी देहांत हो गया, तो वो उसने इतना ज्यादा उसको इस बात का शौक लगा कि उसने नदी में कूद के छलांग लगा कि जब मुलायम सिंह यादव ही जीवित नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा जीवित रहकर। हालांकि मृतक का नाम राजेश यादव बताया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे प्रिय नेता थे जिनसे लगाव उत्तर प्रदेश की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या आम आदमी, सबके साथ ऐसा लगाव था। जी दानिश, जैसे कि लोगों के प्रिय थे और वहां पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी, फिर भी लोगों का जो जमावड़ा था वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। लोगों की संख्या कम नहीं हो रही थी, सबकी आंखें नम थी और वहां पे जितने लोग थे सभी दुखी थे। उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना तो? देखिए, अंतिम दर्शन में जितने भी वीवीआईपी पहुंचे हों या उनके कार्यकर्ता पहुंचे हों या मुलायम सिंह यादव के जो भी लगाव रखने वाले लोग पहुंचे हों, वो सभी की आंखें नम थी। हालांकि इसमें बड़े नेता अभी तक तो कोई रिएक्शन मुझे नहीं लगता है कि आया, लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं या पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इस श्रद्धांजलि में जो अंतिम दर्शन थे, उस अंतिम दर्शन में बहुत से लोगों की आंखें नम थी और सभी लोगों के जो वहां पर सहसा ही पूरा मुलायम सिंह यादव के नाम से ही गूंज रहा था। और प्रशासकों ने एक चीज को इसमें ये भी दिखाने की कोशिश की है कि मुलायम सिंह यादव का जो पैतृक गांव है सहसा ही, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया, हर ओर नेता जमर रहे, नारे की गूंज दिखाई दे रही थी। राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही कि मुलायम सिंह यादव उनके बहुत ही करीबी थे और उनसे राजनीति में काफी सलाह लिया करते थे। बाबा रामदेव भी शामिल हुए। हालांकि इस मामले पर जो सांसद वरुण गांधी हैं, वरुण गांधी ने ये कहा है कि अखिलेश यादव के दुख की घड़ी के साथ मैं खड़ा हूँ, मेरे बड़े भाई के समान हैं अखिलेश यादव।
जी दानिश, जैसे कि वहाँ पर लोग काफ़ी जमावड़ा उनका देखने को मिला था, उनके दर्शन, अंतिम दर्शन के लिए लोग वहाँ पर मौजूद थे, और इसके साथ ही उनके परिवार के कितने सदस्य वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर कौन कौन मौजूद था, इसके साथ ही जैसे कि जानकारी है राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद थे, योग गुरु रामदेव मौजूद थे, सुरक्षा को लेकर भी क्या इंतजाम किए गए थे? नहीं, सुरक्षा को लेकर के पूरे इंतजाम कल रात से हो गए थे। इसको जब जानकारी ये मिली कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी शायद अंतिम दर्शन को पहुंचेंगे, तो फ्लीट उनकी कल रात में ही पहुंच गई थी। और अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कल ही पहुंच गए थे योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम तो शासन और प्रशासन के पहले से ही थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पूर्व मुख्यमंत्री से 3 बार के रहने वाले और 8 बार विधायक, सांसद, रक्षा मंत्री का जो कि निधन हुआ है, और पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं कि जिनसे सलाह लिया करते विपक्ष के लोग, जब जाहिर सी बात है कि वहां पर जो अंतिम दर्शन होने थे या उनका जो अंतिम संस्कार होना था उसमें सुरक्षा को काफी सख्त ज्यादा इंतजाम किया था, कि फिर भी कार्यकर्ताओं की जो होड़ दिख रही थी, जो उनके चाहने वालों की होड़ दिख रही थी, वो नम आंखों से एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के चल चढ़ के वो आगे बढ़ रहे थे। पूरी मैं कह सकता हूँ कि पूरे सैफाई में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या बताई जा रही थी, कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या अंतिम दर्शन में पहुंचने की पहुंची थी, जिनमें वीआईपी थे और आम नागरिक भी थे। अब जैसे कि अभी जो स्पेशली जानकारी मिल रही है कानपुर से, कि मुलायम सिंह के चाहने वाले राजेश यादव को जब जैसे ही पता चला कि मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया है, तो उस चीज को सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सामने ही नदी के किनारे छलांग लगाकर खुद आत्महत्या कर ली है, कि मुलायम सिंह यादव जब नहीं रहे तो मेरा जीना रहना भी बेकार। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं जो अभी प्रशंसकों की भोड़ लग सकती है, और ज्यादा मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले शायद पहुंचेंगे ही, हो सकता है जो लोग बारिश के चलते ना पहुंच पाए हैं वो शायद देर रात या कल परसों या 2 दिन में पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अंतिम दर्शन को मुलायम सिंह यादव की होड़ लगी है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी के जननायक थे, और नौजवान, छात्रों, बेरोजगारों, युवाओं के लिए सबके चाहने वाले थे, जिस तरीके से अंतिम दर्शन में उनकी भीड़ देखने को मिली। जी दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। मुलायम सिंह यादव को पूरा देश याद कर रहा है, नम आंखों से याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, चाहे वो राजनेता हो या आम लोग हो, सभी उन्हें दिलों से याद कर रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता है। नमस्कार।